दोस्तों यार 2022 में आने जा रही है सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक फिल्में, और जैसे कि दोस्तों यार 2022 में तो फिल्मों की भरमार है, तो चलिए दोस्तों यार देखते हैं 2022 में आने वाली 50 बड़ी और शानदार फिल्में। नंबर वन, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ 6 जनवरी को फिक्स है फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें कि हमें दिखने वाली है आलिया भट्ट, और जैसे कि दोस्तों ये रहने वाली है आलिया भट्ट की सबसे बड़ी फिल्म। नंबर टू, यहाँ दोस्तों साउथ से आ रही है फिल्म RRR, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 7 जनवरी को, और जैसे कि दोस्तों कहा जाए तो ये फिल्म तो यहाँ पर करने वाली है विस्फोट। नंबर थ्री, यहाँ दोस्तों प्रभास लेकर आ रहे हैं फिल्म राधे श्याम, जो कि आ रही है 14 जनवरी को, और जैसे कि दोस्तों यहाँ प्रभास पूजा की ये रोमांटिक फिल्म तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होगी। नंबर फोर, यहाँ दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज, जो कि आ रही है 21 जनवरी को, और जैसे कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का हमें देखने को मिलेगा पृथ्वीराज अवतार। नंबर फाइव, यहाँ दोस्तों जॉन अब्राहम लेकर आ रहे फिल्म अटैक, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 26 जनवरी को, और जिसकी दोस्तों ये एक एक्शन से भरी हुई फिल्म रहेगी। नंबर सिक्स, यहाँ दोस्तों साउथ से आ रही है एक और जबरदस्त फिल्म यानी कि मेजर, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 11 फरवरी को। नंबर सेवन, यहाँ दोस्तों रणवीर सिंह लेकर आ रहे हैं जयेशभाई जोरदार, जो कि आ रही है 25 फरवरी को, और जैसे कि दोस्तों ये सोशल मैसेज देने वाली एक कमाल की कॉमेडी फिल्म होगी। नंबर एट, यहाँ दोस्तों अक्षय कुमार की सबसे शानदार फिल्मों में से एक यानी कि बच्चन पांडे, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 4 मार्च को, और जैसे कि दोस्तों ये होगी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म। नंबर नाइन, यहाँ दोस्तों रणबीर कपूर की एक फिल्म यानी कि शमशेरा, जो कि आ रही है 18 मार्च को, और जैसे कि दोस्तों ये भी रहेगी फुल एक्शन से भरी हुई। नंबर टेन, यहाँ दोस्तों कार्तिक की हॉरर कॉमेडी फिल्म यानी कि भूल भुलैया 2, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 25 मार्च को। नंबर 11, यहाँ दोस्तों आयुष्मान खुराना लेकर आ रहे हैं फिल्म अनेक, जो कि आएगी 31 मार्च को, और जैसे कि दोस्तों ये होगी एक एक्शन से भरी हुई फिल्म। नंबर 12, यहाँ दोस्तों आर माधवन लेकर आ रहे हैं फिल्म रॉकेटरी, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 1 अप्रैल को, और जैसे कि फिल्म में हमें शाहरुख का भी एक कैमियो देखने को मिल जाएगा। नंबर 13, यहाँ दोस्तों कंगना रनौत की फिल्म धाकड़, जो कि एक एक्शन से भरी हुई फिल्म होगी, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 8 अप्रैल को, और जैसे कि दोस्तों ये रहने वाली है फुल एक्शन फिल्म। नंबर 14, यहाँ दोस्तों आ रही है एक मॉन्स्टर कॉमेडी फिल्म यानी कि भेड़िया, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 14 अप्रैल को, और जैसे कि इस फिल्म में हमें दिखने वाले हैं वरुण धवन और कीर्ति सनोन। नंबर 15, यहाँ दोस्तों 2022 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक यानी कि KGF चैप्टर 2, जो कि आ रही है 14 अप्रैल को, और जैसे कि दोस्तों यार इस फिल्म का तो क्या कहना, ये रहने वाली है काफ़ी लाजवाब। नंबर 16, यहाँ दोस्तों अजय देवगन की फिल्म मेडे, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 29 अप्रैल को, और जैसे कि दोस्तों इस फिल्म में अजय देवगन का हमें एकदम ही अलग अवतार देखने को मिलेगा। नंबर 17, यहाँ दोस्तों 2022 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म यानी क्या है हीरोपंती 2, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 29 अप्रैल को ही, और जैसे कि दोस्तों इस फिल्म में हमें टाइगर तारा की जोड़ी, जो कि यहाँ विस्फोट करते हुए दिखने वाली है। नंबर 18, यहाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा लेकर आ रहे फिल्म मिशन मजनू, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 13 मई को, और जैसे कि दोस्तों ये एक एक्शन थ्रिल से भरी हुई फिल्म रहने वाली है। नंबर 19, यहाँ दोस्तों अजय देवगन की एक और फिल्म यानी कि मैदान, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 3 जून को, और जैसे कि इस फिल्म में हमें अजय देवगन जो कि दिखेंगे एक कोच के तौर पर। नंबर 20, यहाँ दोस्तों आयुष्मान खुराना की एक और फिल्म यानी कि डॉक्टर जी, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 3 जून को, और जैसे कि दोस्तों ये भी एक काफ़ी कमाल की फिल्म रहेगी। नंबर 21, यहाँ दोस्तों जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर लेकर आ रहे फिल्म एक विलन रिटर्न्स, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 8 जुलाई को। नंबर 22, यहाँ दोस्तों 2022 की बड़ी फिल्मों में से एक यानी कि आदि पुरुष, जो कि आ रही है 11 अगस्त को, और जैसे कि दोस्तों इस फिल्म में प्रभास, कीर्ति सनोन, सैफ अली खान को एक साथ देखना काफ़ी कमाल का होगा। नंबर 23, यहाँ दोस्तों अक्षय कुमार लेकर आ रहे फिल्म रक्षाबंधन, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 11 अगस्त को। नंबर 24, यहाँ दोस्तों ऋतिक रोशन की एक बड़ी फिल्म यानी कि फुल धमाका, और ऐसे में दोस्तों 30 सितंबर को आ रही है फिल्म विक्रम वेधा का रीमेक। नंबर 25, यहाँ दोस्तों रणबीर कपूर की एक बड़ी फिल्म यानी कि एनिमल, जो कि आ रही है 5 अक्टूबर को, और जैसे कि दोस्तों ये रणबीर कपूर की काफ़ी बड़ी फिल्म होगी, जिसमें कि हमें काफ़ी सारे स्टार्स दिखने वाले हैं। नंबर 26, यहाँ दोस्तों अक्षय कुमार की एक और फिल्म यानी कि राम सेतु, जो कि आ रही है 24 अक्टूबर को, और जैसे कि दोस्तों ये फिल्म तो कमाल की रहेगी ही। नंबर 27, यहाँ दोस्तों कार्तिक लेकर आ रहे फिल्म शहजादा, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 4 नवंबर को। नंबर 28, यहाँ दोस्तों 2022 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में शामिल यानी कि फिल्म गणपत, जो कि आ रही है 23 दिसंबर को, और जिसकी इस फिल्म में हमें टाइगर कीर्ति जो कि एक साथ एक्शन करते हुए दिखने वाले है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ 2022 में आने वाली कुछ और बड़ी फिल्में, हालांकि इन फिल्मों की रिलीज डेट जो कि अभी तक फाइनल नहीं हो पाई। नंबर 29, यहाँ दोस्तों शाहरुख की फिल्म पठान,
चुकी है फुल विस्फोटक रहने वाली है, जिसमें कि हमें जॉन दीपिका भी दिखने वाले हैं। नंबर 30 यहाँ तो प्रभास की फिल्म सलार, जो कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमाल की रहेगी। और जैसे कि इस फिल्म में हमें प्रभास का एकदम ही डिफरेंट और एकदम डार्क एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। नंबर 31 यहाँ तो सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, जो कि 2022 की एक विस्फोटक फिल्म रहेगी। नंबर 32 सलमान के भाईजान, जिसमें कि हमें सलमान और पूजा हेगड़े दिखने वाले हैं, और जैसे कि ये हो गया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। नंबर 33 यहाँ तो रणबीर सरदार की एक जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, जो कि हमें 2022 में देखने को मिलने वाली है। नंबर 34 यहाँ तो 2022 में आ रही है कमाल की फिल्म, यानी कि गदर 2, और जैसे कि सनी देओल के साथ गदर 2 को देखना तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहेगा ही। नंबर 35 यहाँ तो आमिर खान लेकर आ रहे हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा, और जैसे कि ये फिल्म जो कि आमिर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक रहने वाली है। नंबर 36 यहाँ तो अभिषेक बच्चन लेकर आ रहे हैं फिल्म 10वीं, जो कि एक काफ़ी मज़ेदार फिल्म रहने वाली है। नंबर 37 यहाँ तो 2022 में एक ज़बरदस्त एक्शन फिल्म, यानी कि फिल्म ओम, जिसमें कि हमें आदित्य राय कपूर दिखने वाले, और जैसे कि वस्तु ये एक एक्शन का विस्फोट रहेगी। नंबर 38 यहाँ तो इसके आदित्य राय कपूर ही लेकर आ रहे हैं एक और बड़ी फिल्म, यानी कि फिल्म थडम का रीमेक, जिसमें कि हमें आदित्य का दिखेगा डबल रोल। नंबर 39 यहाँ तो इसके सिद्धार्थ मल्होत्रा लेकर आ रहे हैं एक ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्म, जो कि रहने वाली है थैंक गॉड, जिसमें कि हमें अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और राहुल प्रीत सिंह दिखने वाले हैं। नंबर 40 यहाँ तो इसके रणवीर सिंह लेकर आ रहे हैं एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म, यानी कि फिल्म सर्कस, जिसमें कि हमें काफ़ी सारे स्टार्स दिखने वाले हैं। नंबर 41 यहाँ तो इसके अक्षय कुमार की एक और फिल्म, यानी कि अतरंगी रे, जिसमें कि हमें अक्षय, धनुष और सारा अली खान दिखने वाले हैं। नंबर 42 यहाँ तो इसकी अक्षय की एक और फिल्म, यानी कि ओ माई गॉड 2, जो कि हमें 2022 में देखने को मिलेगी। नंबर 43 यहाँ तो इसकी कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी, जो कि हमें 2022 में देखने को मिलेगी, और जैसे कि ये काफ़ी कमाल की इमोशनल रोमांटिक फिल्म रहने वाली है। नंबर 44 यहाँ तो इसकी आ रही है फिल्म बधाई दो, जिसमें कि हमें राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर दिखने वाले हैं, और जैसे कि ये भी रहेगी एक मज़ेदार फिल्म। नंबर 45 यहाँ तो इसके काफ़ी लंबे वक्त बाद फाइनली यहाँ पर हमें रणबीर कपूर दिखने वाले फिल्म ब्रह्मास्त्र में, और जैसे कि ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म तो रहेगी, साथ ही से कि इस फिल्म में रणबीर कपूर जो कि हमें दिखेंगे सुपर पावर्स के साथ। नंबर 46 और भी जैसे कि वस्तु यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें कि हमें रणबीर सिंह और आलिया भट्ट दिखने वाले हैं, और जैसे कि ये भी एक ज़बरदस्त रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रहने वाली है। नंबर 47 और वन जैसे कि वस्तु यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है फिल्म जुग जुग जियो, जो कि एक ज़बरदस्त फैमिली ड्रामा रहने वाली है, जिसमें कि हमें वरुण धवन और कीरा आडवाणी दिखने वाले हैं। नंबर 48 और वन जैसे कि वस्तु यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है फिल्म मिस्टर लेले, जिसमें कि हमें दिखेंगे विकी कौशल, साथ ही जैसे कि कीरा आडवाणी और भूमि पेडनेकर, और जैसे कि ये एक ज़बरदस्त कॉमेडी से भरी हुई फिल्म रहेगी। नंबर 49 अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी एक ज़बरदस्त एक्शन फिल्म, यानी कि IB71, जिसमें कि हमें दिखेंगे विद्युत जमल कमाल के एक्शन करते हुए। नंबर 50 अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर विद्युत जमल लेकर आ रहे फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2, जो कि यहाँ सबसे धमाकेदार और सबसे ज़बरदस्त रोमांटिक एक्शन फिल्मों में से एक रहने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 2022 में तो ये एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही है, और जैसे कि कहा जाए तो 2022 में तो यहाँ पर ज़बरदस्त फिल्मों की यहाँ पर लड़ी लगती दिखेगी। लेकिन जैसे कि दोस्तों इन फिल्मों में से आप किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? साथ ही और बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।